सो वेलकम बैक गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अनअकैडमी स्टूडियो प्लेज में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण सीरीज जो कि हमारे पिछले दो वीडियो से चल रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। रीजन ये है कि ऐसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एमपी में पहली बार हुए हैं या एमपी से पहली बार वो संबंध रखते हैं या देश में पहली बार ऐसी कोई घटना घटी है जो कि एमपी के संबंध रखती है। तो दोस्तों ये सारी सीरीज हमारी थर्ड पार्ट चल रहा है आज। पिछले दो वीडियो अगर नहीं देखे दो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि एमपीपीएससी और व्यापम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम डिटेल में बहुत सारी जानकारी पढ़ने वाले हैं। तो मैं दिनेश ठाकुर आपका स्वागत करता हूँ अपने मित्र शैलेंद्र तिवारी जी के साथ। और शैलेंद्र तिवारी जी की भी क्लासेस चालू हो चुकी है और मेरी क्लासेस भी चालू हो चुकी है, तो आप बिल्कुल बनना हमारे साथ। एमपी का कंप्लीट जीके दोस्तों, बिल्कुल कोई भी चीज मैं नहीं छोड़ूंगा, कोई भी ऐसा एरिया नहीं छोड़ूंगा, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं छोड़ूंगा जो आपको ना बताऊं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एमपी मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, ये पार्ट थ्री है। पिछले दो पार्ट आप जरूर देखिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आखिर कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको हमने दी है। दोस्तों दो टाइम याद कर लीजिएगा, एक 8 बजे सुबह का और एक शाम को 6 बजे का। ये बिल्कुल लगातार आपको मैं आपको यहाँ पर वीडियोस लाता रहूंगा, तो अनअकैडमी स्टूडियो प्लेस के माध्यम से भी, और साथ में आपको अनअकैडमी का हमारा प्लेटफॉर्म जो है अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, उस पर आपको हमको फॉलो करना है। तो unacademy.com/@dinesh.engg22 मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, रिक्वेस्ट है आपसे हमको फॉलो कीजिए। वहां पर नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, फ्री लेक्चर्स वहां पर मिलेंगे, और चाहे तो आप उस पर प्लस कोर्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि क्यों करना चाहिए। सबसे पहले करना कैसे है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है आपको। कहाँ डाउनलोड होगी ये आपकी, डायरेक्ट प्ले स्टोर से। इसके बाद आपको आपका गोल चूज करना है, यही जैसे हमारी तैयारी किस चीज चल रही है, एमबीपीएससी की बिल्कुल जोरदार तैयारी चल रही है वहां पर एमबीपीएससी व्यापम का। आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करें तो वहां पर आपको मिलेगा फ्लेक्सिबल शेड्यूल, जब चाहे अप्लाई कर सकते हैं। सुबह से 24x7 बोलिए ना, सुबह शाम दोपहर रात क्या होता है, 24x7 आप तैयारी कर सकते हैं। लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, तमिल भाषा में आप चाहे तो अन्य बहुत लैंग्वेज है उन अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्विजेस है, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लाइव डाउट क्लियर सेशन लेते हैं, आपसे जो भी आपको डाउट रहते हैं उसको क्लियर करते हैं। तो लाइव आपसे क्वेश्चन आप पूछेंगे, हम उसको आंसर देंगे। साथ में यहाँ पर दोस्तों देखिए, केवल मेरा कोर्स नहीं चल रहा है, आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरे अलावा बहुत सारे टीचर्स हैं, कम से कम 30 से 80 टीचर के बीच में टीचर एमपी के एमपी आपका पीएससी पढ़ा रहे हैं, व्यापम पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं। तो आप चाहे वहां ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि आप घर से बाहर हैं, क्लासरूम जैसा माहौल आपको लगेगा, इंटरेक्टिव पोल रहेंगे, और एनीवेयर एनी टाइम आप मोबाइल का जमाना अप्लाई कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, एमपी के अलावा इंडिया के बेस्ट टीचर आपको लेक्चर दे रहे हैं, लाइव भी दे रहे हैं, क्रैश कोर्स भी दे रहे हैं, कॉम्प्रेहेंसिव कोर्स भी दे रहे हैं, सीसेट भी आप लगा सकते हैं बिल्कुल। तो आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर देखिए प्री और मेंस दोनों की तैयारी चालू हो चुकी है, मेरा भी कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप देख सकते हैं क्रैश कोर्स ऑफ फैक्ट अबाउट मध्य प्रदेश पार्ट वन, कौन सा पार्ट वन चालू हो चुका है, तीन पार्ट में सारा कंप्लीट कवर कर दूंगा मैं, तो आप जाके सब्सक्राइब कीजिए। अब देखो आपको लग रहा होगा हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको लाइव लेक्चर दे रहे हैं, हम आपको डाउनलोड भी कर सकते हैं, कितनी बार डाउनलोड करो कोई रोक टोक नहीं है, तो इसके लिए कॉस्टिंग कितनी, तो बिल्कुल स्क्रीन पर तो ये 12 महीने का कोर्स आपको 7,000 का दिखाई दे रहा है, 7,000 का, लेकिन 7,000 का नहीं देना है आपको, 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप रेफरल कोड DTLive यूज करते हैं। तो 6,300 रुपए का कोर्स पड़ेगा मात्र, कितने का, 6,300 रुपए का आपको कोर्स पड़ेगा 12 महीने का। किसी भी कोचिंग संस्थान जाओगे 60,000 70,000 नीचे कोई बात नहीं करता है। और अगर आप इंदौर से बाहर बिलोंग करते हैं, इंदौर आप आओगे रहने खाने खर्चे कितना लग जाता है। आप चाहे 12 महीने का कोर्स अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप, तो हमारा 24 महीने का कोर्स भी है, वो भी लॉन्च हो चुका है, 24 महीने का पूरा कोर्स है। इसके लिए आपको 11,200 नहीं, बिल्कुल 11,200 नहीं, हमारा रेफरल कोड जरूर नोट कर लीजिएगा, ये डालना है आपको DTLive। ये जब मांगेगा यहाँ पर अप्लाई करेंगे आप, अप्लाई करते से ही आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, और 10,080 रुपए में 2 साल का कोर्स, कितने साल का, 2 साल का, रिकमेंडेड करता हूं मैं 2 साल का कोर्स। जो लोग बच्चे अभी कम पढ़ाई कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज में है, वो ये कोर्स ज्वाइन करें, बिल्कुल एमपीपीएससी व्यापम का सारा मटेरियल आपको मिलेगा और सभी टीचर्स का मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्रथम और एकमात्र को लेकर हम जो भी चीज आपको बता रहे हैं, ये तीसरा पार्ट है हमारा, पहले दो वीडियो जरूर देखिएगा, बिल्कुल देखिएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको उसमें देख सकते हैं। चलिए पहला हमारा टॉपिक आज का, मध्य प्रदेश का एकमात्र जड़ी बूटी बैंक। देखिए बैंक जड़ी बूटियों की भी होती है, तो जड़ी बूटी बैंक पर्यटक नगरी पचमढ़ी के पनार पानी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। तो बिल्कुल आपको देखिए डिस्क्रिप्शन दे देता हूं मैं, आपको ध्यान से पढ़िएगा।
हम आप चीज आपको पढ़ाएंगे, डोंट वरी, कहीं मत जाइएगा, सब कुछ मिलेगा आपको अनअकैडमी स्टूडियो प्लस पर। और डीप स्टडी, डीप नॉलेज और अच्छी पढ़ाई के लिए आप अनअकैडमी प्लस को भी ज्वाइन कर सकते हैं आज ही। मध्य प्रदेश के पिपरिया के नजदीक पचमढ़ी के जंगलों में वनस्पति और रोगनाशक जड़ी बूटियों की भरमार है। ये ध्यान रखिएगा, 5 प्रकार की वनस्पति ऐसी है जो सिर्फ पचमढ़ी के पहाड़ों पर ही मिलती है। इसके अलावा लगभग 300 दुर्लभ जड़ी बूटियों का भी पचमढ़ी जंगलों में यहाँ पर पाई जाती है। इन जड़ी बूटियों में गंभीर रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। प्रदेश विशेषज्ञों के अनुसार हिल स्टेशन पचमढ़ी में पहाड़ों का जैव विविधता का भंडार है, लेकिन 5 वनस्पतियां ऐसी हैं जो पूरे विश्व में सिर्फ पचमढ़ी में पाई जाती है। तो जड़ी बूटी बैंक, क्या जड़ी बूटी बैंक पर्यटक नगरी पचमढ़ी के पनार पानी क्षेत्र में स्थित है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। बिल्कुल, प्रदेश का एकमात्र जड़ी बूटी बैंक है यहाँ पर, जड़ी बूटियां को संरक्षित करके रखा जाता है। ऐसा बैंक पैसे वाला बैंक नहीं। देश में 500 मीटर लंबाई वाला यह दूसरा साइक्लिन ड्रोम है, कौन सा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रदेश का पहला बेलोड्रम स्थापित किया गया है, ये प्रदेश का पहला है, जबकि देश में 500 मीटर लंबाई वाला यह दूसरा साइक्लिंग वेलोड्रम है। तो बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, वेलोड्रम, साइक्लिंग वेलोड्रम आपके लिए मिल जाएगा। तो ये जबलपुर में पहला, प्रदेश का पहला है और देश का दूसरा। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं अपन, मध्य प्रदेश के देवास जिले में प्रदेश के पहले मोबाइल थाने की स्थापना 2003 में कर दी गई थी। 2003 याद रखना है, देवास में मोबाइल थाने की शुरुआत की गई है, ये आप नोट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का पहला सर्प उद्यान, देखिए भैया सांपों का भी उद्यान होता है, सर्प उद्यान भोपाल में स्थापित किया गया है, नोट कर लीजिएगा, सर्प उद्यान भोपाल में स्थापित किया गया है। सांपों को कांच की दीवार के पीछे रखा गया है। यहाँ विभिन्न प्रकार के सांप हैं, जिनमें सामान्य बनाव, इंडियन कोबरा स्नेक, धामन, घोड़ा पछाड़ और रसेल वाइपर और बहुत सारे यहाँ पर सांप हैं। यहाँ पर सर्वाधिक दर्शनीय अजगर भी है, जिसे कुआं नुमा पिंजरे में रखा गया है। तो दोस्तों बिल्कुल आप भोपाल जाके सर्प उद्यान का लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकेंड और नेक्स्ट आपका जो हमारा जनरल नॉलेज है एमपी का, कि भाई एमपी का प्रथम आवासीय खेल विद्यालय कहाँ पर है? सीहोर में। बिल्कुल, सीहोर जो है ये भोपाल के जस्ट नजदीक है। पहले सीहोर जिला का तहसील भोपाल हुआ करता था, बाद में भोपाल खुद जिला बन गया। तो दोस्तों सीहोर और भोपाल जो जिले हैं उनमें सीहोर में आवासीय खेल परिसर, बिल्कुल आवासीय खेल परिसर स्थित है। देखिए संस्थान में जो है इस जो आवासीय परिसर में विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ खेलकूद की ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो ये बहुत अच्छा एक प्रथम जो हमने उपलब्धि हासिल की है, आवासीय खेल परिसर प्रथम स्थापित सीहोर में हुआ था। रीवा मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां सफेद शेर पाए जाते हैं। बिल्कुल, रीवा के सफेद शेर बहुत ही फेमस है। घातक पशु बीमारियों, नोट कर लीजिएगा, घातक पशु बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाने वाली प्रदेश की एकमात्र बायोलॉजिकल लैब कहां पर है? कहां पर है? महू। महू तहसील है, इंदौर जिला है, तो इंदौर जिला भी आप याद रख सकते हैं, महू तहसील भी आप याद रख सकते हैं। घातक पशु बीमारियों से, घातक पशु बीमारियों से, ठीक है। अब आपको बता दें यहाँ पर पशु बीमारी अगर आपको याद आए तो पशु का चिकित्सालय का कॉलेज भी यहीं पर है, ठीक है, वेटरनरी कॉलेज यहीं पर है महू में, ठीक है। चल, प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा फार्म धार जिले के खेड़ा गांव पहाड़ियों पर स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल होशंगाबाद में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र किशोर बंदी गृह नरसिंहपुर में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक अड्डा महाराजपुर मुरार ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु बिजली घर चटुका गांव मंडला में स्थित है, नोट कर सकते हैं। और चटुका के बारे में जानकारी आपको देते हैं कि चटुका परमाणु विद्युत संयंत्र भारत का एक प्रस्तावित नाभिकीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र है, जो मध्य प्रदेश के मंडला जिले में चटुका गांव में निर्माणाधीन है। देखिए दोस्तों, अगर आप बुक से पढ़ाई करते हैं तो बुक में जो लिखा हुआ होता है आपको केवल वही मिलेगा, एक साल पुरानी बुक वेस्ट हो गई, क्योंकि जो अभी करंट में भी है ना, तो वो भी तो मध्य प्रदेश में कुछ ना कुछ प्रथम हो सकता है या करंट अफेयर्स के बारे में, तो सब कुछ हम कंप्लीट करके लेके आते हैं। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो एक तो लाइक कर दीजिए और दूसरा अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी जुड़ पाए। सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे लाइव आऊंगा मैं बहुत जल्दी, अभी तो मेरा ये किम्बल क्या चल रहा है, अभी प्रीमियर चल रहा है, ठीक है ना। चलिए, यह 1,200 एकड़ यानी कि 490 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह स्थान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास
स्थित है और जो भारत का एक प्रमुख टाइगर अभयारण्य भी है, इसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल आपको बताने वाले हैं, टाइगर जो आपका हमारे यहाँ चल रहा है टेफ सेविंग सेफ टाइगर, वो सारा हम बताएंगे आपको। इस परियोजना में 700 मेगावाट क्षमता के दो रिएक्टर निर्मित किए जाएंगे, कुल 1400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। तो बहुत अच्छी परमाणु बिजली घर चाटुका गांव में प्रथम, परमाणु विद्युत एमपी में, ठीक है नोट कर लीजिएगा, एमपी का प्रथम उद्यानिक महाविद्यालय मंदसौर में है, ठीक है ना। एमपी की प्रथम औद्योगिक प्रयोगशाला की स्थापना इंदौर में की गई है, एमपी की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना इंदौर में की गई है, बिल्कुल। मध्यप्रदेश का प्रथम चिकित्सालय महाविद्यालय 1946 में ग्वालियर में स्थापित किया गया, ध्यान रख सकते हैं, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि चिकित्सालय महाविद्यालय या चिकित्सा महाविद्यालय 1946 में सबसे पहले कहां पर, ग्वालियर में है, तो एमपी का प्रथम, तो ये नोट कर सकते हैं आप, बिल्कुल। प्रदेश का प्रथम सैनिक स्कूल रीवा में है, तो रीवा का सैनिक स्कूल फेमस भी है, बहुत सारे सैनिक स्कूल है, अभी बहुत सारे खुल चुके हैं लेकिन रीवा का प्रथम है। इस स्कूल के छात्र पढ़ाई पूरी करने के बाद एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी व नेवी के जरिए सेना में ऑफिसर्स की पोस्ट पर ज्वाइन भी करते हैं, तो ये सैनिक स्कूल रीवा में पहला। मध्यप्रदेश का एकमात्र कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय पहला एकमात्र कहां पर है, ऑब्वियसली जबलपुर में। प्रदेश का एकमात्र गैस आधारित विद्युत गृह भांडेर दतिया में है, तो भांडेर दतिया आप याद रख सकते हैं, ठीक है चलिए। मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका खेल हलचल जो कि इंदौर से प्रकाशित होती है, तो याद रखना कि इंदौर एकमात्र खेल पत्रिका कौन सी है, खेल हलचल जो कि इंदौर से प्रकाशित होती है, एकमात्र खेल पत्रिका है। मध्य प्रदेश का रतलाम में प्रदेश का पहला अंगूर अनुसंधान केंद्र बनाया गया है, बहुत बढ़िया, चलो ये तो पता है आपको, दो तीन बार क्लियर भी कर चुका हूँ। मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फेरिक रिजर्व, ये देख रखिएगा, प्रथम बायोस्फेरिक रिजर्व जो है पचमढ़ी में स्थापित किया गया, बिल्कुल पचमढ़ी में स्थापित किया गया है, इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। ये देखिए पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एक गैर उपयोग संरक्षण क्षेत्र है, यहाँ आप उपयोग नहीं, आम जनता नहीं उपयोग कर सकती, यह मध्य भारत के सतपुड़ा रेंज में स्थित है। इस संरक्षण क्षेत्र को 1999 में भारत सरकार द्वारा बनाया गया था, यूनेस्को ने 2009 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व नामित किया, 2009 में किसने, यूनेस्को ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व बताया, और प्रदेश का प्रथम पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों के मध्य स्थित है। तो ये एक बार क्वेश्चन शायद बहुत पहले का क्वेश्चन है, अभी पीएससी में आ चुका है, 2011-12 के आसपास की बात है कि पचमढ़ी का बायोस्फीयर रिजर्व कितने जिलों को छूता, तो होशंगाबाद बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों के मध्य स्थित है। तो बायोस्फीयर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 4,926.28 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि एकड़ में कितना हो गया, 1,12,17,310 एकड़, ठीक है ना, 12,17,310 एकड़। अब दोस्तों जो हम चित्र आपको दिखा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टाइगर को बचाने की। तो टाइगर प्रोजेक्ट एमपी में सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया, कहाँ से किया गया, कहाँ से किया गया, तो ये किया गया है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से। अब देखिए आप पन्ना रिजर्व क्षेत्र है, संजय टाइगर प्रोजेक्ट रिजर्व क्षेत्र है, बांधवगढ़ है, कान्हा है, पेंच है, सतपुड़ा भी है, लेकिन कान्हा सबसे पहला है, ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है चलिए। एक बहुत ही अच्छा चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इस चित्र के बारे में अगर आपको जानकारी हो तो झींगा क्या है, झींगा, तो प्रदेश की प्रथम झींगा हैचरी जो है वो बालाघाट जिले में स्थित है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एकमात्र प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र इंदौर में स्थापित हुआ था, देखिए ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, आकाशवाणी केंद्र कई लोग भोपाल से समाचार प्रसारित होते हैं, लेकिन इंदौर में सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया है, और ये कब किया गया है इसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं यहाँ पर। देखिए इंदौर आकाशवाणी की स्थापना 22 मई 1955 को हुई, इसका ट्रांसमीटर राव में स्थित है, फ्रीक्वेंसी 462.96 मीटर यानी कि 648 किलो हर्ट्ज है, ठीक है ना। प्रसारण की मुख्य भाषा हिंदी, मराठी, सिंधी एवं उर्दू के साथ मालवी और निमाड़ी बोलियां हैं, हिंदी ज्यादातर बोली जाती है, कभी कभी मराठी और सिंधी की भाषा का प्रयोग भी कर लिया जाता है, और मालवी निमाड़ी क्षेत्रीय बोलियां भी बोली जाती है, उर्दू का भी कभी कभी प्रसारण होता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं 1955 22 मई 1955 आकाशवाणी केंद्र इंदौर, नोट कर लो।
आते हैं क्वेश्चन ऐसे, और पीएससी के अलावा अदर जो परीक्षा रहेंगे उनमें भी आएगा। तो देखिए इस वीडियो को पढ़ने का फायदा क्या है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई वीडियो से कैसे पढ़ेंगे और कैसे पढ़ सकते हैं, मैं जानकारी देता हूँ। क्या करो, आप वीडियो को चालू करो, ईयरफोन लगाओ कान में, बस में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारे वीडियोस आपको बहुत काम आ जाएंगे, ठीक है ना। तो राज्य का पहला समाचार पत्र ग्वालियर अखबार था, राज्य का पहला समाचार पत्र ग्वालियर अखबार था। प्रदेश का हिंदी में प्रकाशित होने वाला, इसको सही कर देते हैं, होने वाला प्रथम समाचार पत्र मालवा अखबार था, हिंदी में प्रकाशित होने वाला, ठीक है। चल, राज्य का एकमात्र यूनानी चिकित्सालय जो है बुरहानपुर में, ये क्वेश्चन आया हुआ है जस्ट अभी कुछ समय पहले ही। एमपी जी के बहुत वास्ट है, आपको बताया कि हमारा एमपी राज्य पहले तो नंबर 1 पर था, फिर अभी नंबर 2 पर आ गया है, ठीक है ना, सॉरी नंबर 2 पर ही आ गया है, नंबर 2 से, ठीक है। तो इसको आप बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, पीएससी की बात है, आसान नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र शासकीय जन चिकित्सक, शासकीय गवर्नमेंट दंत चिकित्सालय कहां पर है, इंदौर में, जन चिकित्सालय विद्यालय महाविद्यालय कहां पर है, इंदौर में, शासकीय जन चिकित्सालय महाविद्यालय इंदौर में है। प्रथम टीवी स्टूडियो भोपाल में स्थापित किया गया था, देखिए ये रेडियो तो यहां आ गया इंदौर में, लेकिन टीवी की बात करें तो टीवी स्टूडियो कहां पर था, भोपाल, अब याद कर लो तो ये टीवी देख के हो सकता है आपको याद हो जाए। प्रदेश की पहली नगर पालिका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए नगर निगम, जल, तहसीलदार, पटवारी और पीएससी तीनों, एसडीएम डीएम सब में बिल्कुल, नगर पालिका कहां पर थी, 1984 में पहली नगर पालिका बनाई गई जबलपुर की, तो आप इसको ये नोट कर सकते हैं, बिल्कुल याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे की जानकारी देने से पहले दोस्तों आपको एक बहुत बात डिटेल में क्लियर कर दूं कि आपको अगर हमारे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम की लिंक दी है, टेलीग्राम की लिंक ज्वाइन कर लीजिए, एक चीज। दूसरा, इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन इसलिए कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर हम नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम डालते रहते हैं ताकि आपको यहाँ पर जो भी है इन्फॉर्मेशन मिलती रहे हमारे जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा। क्योंकि देखिए पीएससी की तैयारी करना इतना आसान नहीं है, हमारे यहाँ पर ऑलरेडी पीएससी पढ़ाने वालों की 12-12, 15-15 एक्सपीरियंस वाली फैकल्टीज यहाँ पढ़ाने वाली है, साथ में खुद एमपीपीएससी क्रैक कर चुके लोग यहाँ पर आपको पूरा का पूरा नॉलेज देंगे, पूरा स्ट्रेटजी समझाएंगे कब क्या पढ़ना है। देखिए पढ़ाई तो उसका कोई और छोर नहीं होता है, पढ़ाई इतनी होती है कि आप दिन रात पढ़ते रहे तब भी कम पड़ जाए, लेकिन सही यानी कि राइट थिंग पिक करके राइट टाइम पर पढ़ना, कब क्या आता है। देखिए क्या होता है, बहुत सारी किताबें आती हैं मार्केट में, इतनी सारी किताबें ढेर लगा हुआ है, सबके पास ढेर लगा हुआ है, लेकिन कौन सी बुक किस समय और कौन सा हिस्सा पढ़ना ये बहुत जरूरी होती है। एम लक्ष्मीकांत के बारे में लोगों की बहुत ही गलत राय है कि उसको पूरा घोट के पढ़ना है, बिल्कुल नहीं, पूरा पढ़ने बैठोगे तो आपको कभी समय ज्यादा लगेगा, हाँ पूरा पढ़ के पढ़ लो याद हो जाए अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं पूरा पढ़ पाए, नहीं घोट पाए तो फिर दिमाग में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कम रहता है। हम आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताएंगे कि आपको कम से कम जगह से पढ़कर, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो किस एरिया से पूछा जाता है, क्या आ सकता है, ये लगभग ये पता रहता है कि इस तरफ से आ सकता है, हाँ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पर कि क्वेश्चन कौन सा आएगा, लेकिन जनरली क्वेश्चन आते कैसे है, कहां से आते हैं, लिखने का तरीका, देखिए ये तो चल रही है अपनी प्री की तैयारी, आगे हम मेंस के लिए भी चलेंगे, तो मेंस के लिए जब जाएंगे तो उस समय भी तो आपको दिक्कत आएगी, मेंस में लिखते कैसे हैं, कौन सा टॉपिक कहां से स्टार्ट करते हैं, बीच में क्या लिखा जाता है और नीचे क्या लिखा जाता है, तो इसके लिए पहले आप देखो मेंस तैयारी करने के लिए अभी से एडिटोरियल पेज पढ़ना स्टार्ट कर दो, निबंध लेखन पर काम करना स्टार्ट कर दो, काय पर निबंध लेखन एडिटोरियल पेज पढ़ना स्टार्ट कर दो, हम आपको बहुत जल्दी स्टडी समझा देंगे कि आखिर कैसे आपको मेंस में लिखना है। तो पहले प्री तैयारी कर ही लेते हैं, मेंस तैयारी भी हम कराएंगे आपको। तो बिल्कुल एक चीज और, अनअकैडमी प्लस की बारे में जो बात कर रहे थे, अनअकैडमी प्लस पर बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज ऑलरेडी बड़े बड़े लेक्चर्स का शेड्यूल बना चुके हैं। देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि यूट्यूब और अनअकैडमी डिफरेंस क्या है, यूट्यूब पर क्या होता है, दो तीन प्रॉब्लम है, एक तो ये कि यूट्यूब का वीडियो देख रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या कोई गाना आपको, डिस्क्रिप्शन नहीं नीचे सजेशन में आपको एक गाना, कोई मूवी, कोई ट्रेलर कुछ आपको दिख रहा होगा तो आपका ध्यान भटक जाता है।
फिर आपको क्या लगता है कि अरे मैं थोड़ा सा गाना देख लेता हूँ, फिर आपका दिमाग वहां से कट जाता है। अनअकैडमी पर ऐसा नहीं है, वहां पर आपको प्योरली स्टडी मटेरियल मिलेगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये मिलेगा कि वहां पर जब टीचर पढ़ाता है आपको, तो आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, बात करता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको डाउट नहीं भी है तो एक डाउट क्लियरिंग सेशन क्लास तो होती ही होती है हर दो तीन क्लासेस के बाद, तो आपको तीन चार क्लासेस के बाद तो हम फिर जानबूझ के आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। प्रैक्टिस होती टेस्ट पीडीएफ, लोग बोलते हैं नोट्स क्या के लिए, नोट्स चाहिए, तो नोट्स चाहिए भैया, तो नोट्स वहां पर पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलते हैं, डाउनलोड कर सकते हो आप, विद एनोटेशन विदाउट एनोटेशन, जो हम पढ़ाते हैं ना ये लिखा हुआ जो एसएसएम ने बनाया मार्क, ये भी आपको मिल जाएगा विद एनोटेशन विदाउट एनोटेशन, आपको प्लेन पीपीटी मिल जाएगी, पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, आप नोट्स बना लीजिए, बने बनाए नोट्स हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि वहां पर मॉक टेस्ट सीरीज, बिल्कुल टेस्ट सीरीज जो आप लगाते हैं ना शाम वहां 6 बजे आधे घंटे की, वहां पर ऐसी हजारों टेस्ट सीरीज सभी सब्जेक्ट की मिल जाएगी, यानी कि सैकड़ों तो आपको एमपीएससी मिल जाएगी, तो आप ऐसे सारे मटेरियल आपको वहां मिलते हैं। तो अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने में बिल्कुल नुकसान नहीं है, क्योंकि देखिए नोट्स मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस मिल रही है, लाइव नहीं मिल रहा है तो अनलिमिटेड आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, जो लाइव क्लास मिस हो गई वो वीडियो फॉर्म में मिल जाती है, डाउनलोड करके पढ़ाई कर लो। तो कितनी सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। एक बार अनअकैडमी स्टूडियो प्लस पर प्लेस के अलावा वहां पर भी जाइए, प्लस पर भी जाइए, अनअकैडमी प्लस पर आप जाएंगे ना तो वहां पर आपको क्या मिलने वाला है, वहां पर मिलने वाला है ये सारा का सारा मटेरियल मात्र 5-6 हजार रुपए में, इतनी सस्ती फीस, कहीं भी कोचिंग संस्थान जाओगे ना 60-70 हजार रुपए की कोई बात ही नहीं करता है। तो ये सारी फैसिलिटी वहां मिलने वाली, इसलिए बता रहा हूं मैं। कुछ लोग पूछते सर आप क्यों अनअकैडमी से जुड़े, देखिए एमपी का नंबर वन चैनल था अपना, अब इंडिया का नंबर वन चैनल बनाना आपकी जिम्मेदारी है, इसको शेयर करना, और एमपीपीएससी में नंबर वन संस्थान बनाने की जिम्मेदारी भी आप सभी की है। यहाँ सिलेक्शन होंगे पक्का गारंटेड, ऐसे फैकल्टीज पढ़ाने आने वाली है कि आप खुद सोच के दंग रह जाएंगे कि यार इनसे पढ़ने के लिए हमको आ जाना। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, प्लस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, 6000 रुपए लगाना कोई दिक्कत नहीं, 2 साल का कोर्स ले लो 10000 रुपए में, 2 साल का कोर्स किसको बोलते हैं, 2 साल का कोर्स 10000 रुपए में लोगे आप, बिल्कुल आसानी से आपका वहां कवर हो जाएगा और हर चीज सटीक तरीके से। हाँ वो एक चीज बता भूल गया, प्लस कोर्स पर आपको सारी चीजें कोर्स वाइज लाइन से जब मिलती है, कब कौन सा वीडियो कब आएगा, कौन सा आया था, सारा डिटेल डेट वाइज टाइम वाइज पूरा मिल जाएगा, बहुत आसान है, एक बार पढ़ के देखो मजा आ जाएगा। चलिए ये तो था ये हमारा जो हमने आपको बताना चाहते थे, कुछ लोग पूछते बार बार की क्या सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि बारहसिंगा की बात चल रही है, तो राजकीय पशु आपको पता है कौन सा हमारा पशु बारहसिंगा है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कान्हा में पाया जाता है, ठीक है ना, लेकिन हमारा राजकीय पशु कैसे है तो देखिए डिटेल देखिए, बारहसिंगा जिसके 12 सींग होते हैं, सींग दो होते हैं उसके अंदर 12 शाखाएं होती है, देखो बारहसिंगा या दलदल मृग हिरण या हिरण या हिरण की एक जाति है जो उत्तरी और मध्य भारत में दक्षिण पश्चिमी नेपाल में पाया जाता है। बारहसिंगा का सबसे विलक्षण अंग है उसके सींग, वयस्क नर में इसकी सींग में 10-14 शाखाएं तक होती है, हालांकि कुछ की तो 20 तक की शाखाएं पाई जाती हैं। इसका इन्हीं शाखाओं की वजह से नाम पड़ा, और जिसका अर्थ होता है 12 सींग वाला, मध्य प्रदेश में इसे गोइंजक नर का गुआनी मादा का मादा को कहते हैं, गोइंजक नर को कहते हैं, ये याद कर लीजिए, गोइंजक किसको बोलते हैं, नर बारहसिंगा को, और गाओनी किसको बोलते हैं, मादा बारहसिंगा को, नोट कर लीजिए, इसकी शाखाएं विलक्षण है, और ये पशु बारहसिंगा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हमारा काना किसली में पाया जाता है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, मध्यप्रदेश में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना इंदौर में की गई, पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना इंदौर में की गई है। मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में प्रदेश का प्रथम साग सब्जी प्रक्रिया केंद्र स्थापित किया गया, कहां पर है, खरगोन में, खरगोन नोट कर लो, प्रथम साग सब्जी, साग को कई लोग साग सब्जी भी बोलते हैं, बट साग यानी होता है शाकाहारी, साग सब्जी सब्जी भाजी की बात चल रही है, ठीक है ना। मध्यप्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में है, क्या बात है, मध्यप्रदेश का एकमात्र पर्वतीय हिल स्टेशन होशंगाबाद जिले में स्थित पचमढ़ी की समुद्र से 1067, देखिए वैसे तो बहुत सारी पहाड़ियां हैं हमारे मध्यप्रदेश में जहां पर आप वहां पर रेस्ट हाउस वगैरह है, बट हिल स्टेशन के नाम से पचमढ़ी ही फेमस है। इसकी ऊंचाई 1657 मीटर पर यह स्थित है, सतपुड़ा श्रेणी के बीच स्थित होने में अपने सुंदर स्थलों के कारण इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है, पचमढ़ी को, पचमढ़ी आप कभी घूम के आइएगा बिल्कुल। देखिए कोई गेट दिख रहा है आपको, इस गेट को पहचान सकते हैं, लिखा हुआ बैंक नोट मुद्रणालय देवास, ठीक है ना। तो आंसर क्या है, मध्यप्रदेश की मात्र नोट प्रेस जो है वो देवास में है, कागज होशंगाबाद में है, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है।
मध्यप्रदेश की ऋतु संबंधी आंकड़े बताने वाली एकमात्र वेधशाला। देखिए, ऋतु बताने के लिए एक वेधशाला बनाई जाती है जिसमें कि पता चलता है मौसम की जानकारी, मौसम का हाल कैसा रह सकता है, ये है आपका एकमात्र इंदौर में स्थित है। ठीक है, चल, मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना बैतूल में, बैतूल करेक्ट कर लो, बैतूल करेक्ट कर लो, ये रहा बैतूल। ठीक है, बैतूल घड़ी बनाने का कारखाना बैतूल में है। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में प्रदेश का पहला भूमिगत उपग्रह केंद्र स्थापित किया गया है। देखो, पहला भूमिगत उपग्रह केंद्र कहां स्थापित किया गया है, इंदौर में, जो कि चालू हो चुका है। इसका कार्यक्रम यहां से जो भी टेलीकास्ट वगैरह सब कुछ होना स्टार्ट हो गया है, यह जानकारी मिलना प्राप्त हो गई है। एमपी का पहला जेंडर आधारित बजट, देखिए जेंडर आधारित बजट, महिला पुरुष के आधारित जेंडर आधारित बजट सन 2007-08 में प्रस्तुत किया गया। पहला एमपी का पहला जेंडर आधारित बजट 2007-08 में पेश किया गया। 26 जनवरी 2006 को मध्यप्रदेश की प्रथम डीएनए प्रयोगशाला सागर में, देखो नोट कर लेना, बिल्कुल नोट कर जाना, 26 जनवरी 2006 को मध्यप्रदेश की प्रथम डीएनए प्रयोगशाला सागर में स्थापित की गई है, बिल्कुल सागर में स्थापित की गई है। अब देखो यहाँ और ग्वालियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको देना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। मध्यप्रदेश के पहले सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, ग्वालियर में स्थापित किया गया। नाम आपको बता रहे हैं दो ही, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IITM ग्वालियर स्थित एक विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1997 में हुई और 2001 में इसे मानित विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया गया। तो सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मामले में IITM क्या है, IITM, ठीक है, IITM पहला कहां पर हुआ, एमपी में ग्वालियर में, नोट कर लिया, IITM की बात चल रही है, ठीक है ना, पहला विश्वविद्यालय में, सोच लेना। 2016 में भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा घोषित रैंकिंग में संस्थान को 22वें स्थान पर दर्जा भी दिया गया है। तो पढ़ाई काफी अच्छी होती है, जो भी IITM ज्वाइन करना चाहते हैं उन सबको ऑल द बेस्ट, नाम याद रख लीजिएगा अटल बिहारी वाजपेयी, और बिल्कुल नोट कर सकते हैं आप इसको। प्रदेश की राजधानी भोपाल में राज्य का पहला संजीवनी आयुर्वेद केंद्र स्थापित किया गया है, बिल्कुल भोपाल राज्य का पहला संजीवनी आयुर्वेद विक्रय केंद्र स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जितने मित्रों ने ये हमारा वीडियो देखा है सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इसी प्रकार के और भी वीडियोस हम आपको लेकर आते रहेंगे, चाहे MPPSC का हो, चाहे आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी तैयारी कर रहे हो, सारा जो भी स्टडी मटेरियल है हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो नेगेटिव स्टूडियो प्लेस को यार बिल्कुल वो आप क्या सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि MPPSC व्यापम की सब्सक्रिप्शन एक जगह और आप ले सकते हैं, अनअकैडमी स्टूडियो के अलावा प्लस पर, अनअकैडमी प्लस पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एमपी इंडिया की बेस्ट फैकल्टी, क्योंकि अनअकैडमी वैसे भी नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन चुका है इंडिया का। अब यहाँ पर जो पढ़ाई है, अब MPPSC व्यापम की पढ़ाई भी जोर शोर से स्टार्ट हो चुकी है। एक ही सब्जेक्ट को मोर देन 3-4 टीचर, यानी एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ, MPGK के 4-5 लोग और पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही इंडियन पॉलिटी 2-3 लोग और पढ़ा रहे हैं, जितने लोग भी हैं सब ये पढ़ा रहे हैं। तो MPPSC व्यापम का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको सबका कोर्स मिलेगा और इसके लिए आपको एक साल के लिए न 10,000, 50,000, 70,000, 80,000 नहीं, केवल 6,300 आपको पे करना है। देखिए वैसे स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा होगा आपको, 7,000 जब आप जाएंगे ना परचेस करने, पहले में क्या करना, क्या है आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन, गोल चूज करना है, उसके बाद आप पेमेंट करने जब जाएंगे तो DT Live ये हमारा रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड को अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। DT Live यूज करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा किसी भी सब्जेक्ट के लिए। जरूरी नहीं कि MPPSC व्यापम की बात करें, हम सभी सब्जेक्ट, सभी कोई भी आप पढ़ाई करें किसी भी सब्जेक्ट की। 24 महीने के कोर्स की अगर बात करें तो अगर आपको लग रहा है कि आपको अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं या आपकी 12th पास हुई और आपका विजन या आपका गोल क्या है MPPSC, तो MPPSC अगर आपका गोल है तो 2 साल का, कितने का, 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। लेकिन हमारा रेफरल कोड क्या है, DT Live यूज करें, 10,080, कितना, 10,000
₹80 का आपको क्या मिलेगा, टोटल डिस्काउंट मिलेगा, सॉरी टोटल कॉस्ट मिलेगी, 10% डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि 11,000 का कोर्स है ये, 11,200 का कोर्स है, 10% कम करके 10,080 का ये मिलेगा। तो DT लाइव आप मत भूल जाना, अपने मित्रों को शेयर करना, सबको बताना, MPPSC व्यापम की सटीक और सही तैयारी के लिए बिल्कुल फैक्ट बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, लेट मत हो जाना, इसकी फीस बढ़ जाती है बहुत जल्द, ठीक है ना। अनअकैडमी स्टूडियो प्लेस को भी आपको लाइक करना है, शेयर करना है, अपने मित्रों को बताना है कि इस चैनल पर पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। जो भी मित्र पढ़ाई करना चाहते हैं MPPSC के लिए, उनके लिए अनअकैडमी स्टूडियो प्लेस को ज्वाइन करवाइएगा। देखिए सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन जरूर दबाना है, आपकी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक दी है, किसकी, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे अपडेट मिलते रहे, हम वीडियो शेयर कर देते हैं वहां पर, और एक फीडबैक फॉर्म भी है, उस फीडबैक फॉर्म को जरूर भरें, ताकि हमको और पता चल सके कि हमने आपको पढ़ाया है, अच्छा पढ़ाया तो अच्छा फीडबैक दीजिएगा, आगे हम और अच्छी मेहनत करके आपको और अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो डोंट वरी, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं।